प्रिय मित्रों, आप सबों को जय यीशु। महान आनंद के इस दिन में, जैसा कि हम माउंट कार्मल की माता मरियम की त्योहार मनाते हैं, मैं आप सभी को माउंट कार्मल दिवस की शुभकामनाएं और खुशियां आदा करती हूँ। जब हम कैथोलिक कलीसिया के संदर्भ के इतिहास को देखते हैं, तो केवल एक महान व्यक्तित्व तो है जिसे वर्ष के हर दिन पर्व के स्मरणोत्सव के साथ याद किया जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि माता मरियम ही है। यह मोक्ष के इतिहास में माता मरियम की शक्ति और उदारता को दर्शाता है। आज हम उसकी दावत के इस महान सागर से केवल एक बूंद पीने जा रहे हैं। वह है माउंट कार्मल की माता मरियम का पर्व। जब हम इस पर्व के बारे में मनन चिंतन करते हैं, तो हमें बाइबल और पारंपरिक दोनों तरह के तीन कारक को मिलते हैं। उत्साही पैगंबर एलिया, माउंट कार्मल पर शुरुआत धर्म समूह और संत सिमोन स्टॉक के लिए भूरे रंग के स्कैपुलर के साथ माता मरियम का प्रकटीकरण। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिस्र के अभिलेख में कार्मल का उल्लेख पवित्र पर्वत के रूप में किया गया है। एक ऊंचे स्थान के रूप में यह लंबे समय से मूर्ति पूजा का केंद्र था और बाइबल में इसका उत्कृष्ट संदर्भ बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ एलिया के टकराव के दृश्य के साथ रूप में दिया गया है। एक हम देखते हैं बाइबल में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में। कार्मल का अर्थ है ईश्वर की दरबारी, बाग और उद्यान। यहां ईश्वर की आशीर्वाद और उपस्थिति की दर्शन पाता है। पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं कि लगभग 45 बार कार्मल का उल्लेख किया गया है। बाइबल में माउंट कार्मल को 850 मूर्ति पूजक भविष्यवक्ताओं के साथ पैगंबर एलिया के नाटकीय प्रदर्शन के स्थल के रूप में जाना जाता है। एलिया और बाल और अशेरा के झूठे नबियों के बीच टकराव को देखने के लिए पूरे इसराइल को कार्मल पर्वत पर बुलाया गया। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग के एक शानदार प्रदर्शन के साथ उतर दिया, भेंट को भस्म कर दिया, लदी लकड़ी और साथ ही वेदी पर डाले गए पानी का एक एक बूंद को चाट लिए। वेदी के चट्टानों भी भस्म हो गए। लोगों ने मुंह के बल गिर पड़े और कहा, ये यहोवा वही परमेश्वर है, हे यहोवा वही परमेश्वर है। एलिया ने तब लोगों को मूसा की व्यवस्था के अनुसार 850 झूठे भविष्यवक्ताओं को मारने का आदेश दिया। प्राचीन काल से माउंट कार्मल को एक पवित्र स्थान और सुंदरता और उर्वरता का प्रतीक माना जाता रहा है। ईसाया छुटकारा प्राप्त मानव जाति की परमेश्वर की महिमामय पुनर्समर्पण का कार्मल के वैभव के साथ जोड़ता है। यही कार्मल पर्वत पर एलिया ने इसराइल के उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, जो उस समय एक भयानक सूखे से पीड़ित था। उसने प्रार्थना करना जारी रखा और अपने सेवक को बारिश की तलाश में कई बार पहाड़ पर भेजा। 7वें प्रयास में एलिया का सेवक खुशखबरी लेकर लौटा। देखो, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उठ रहा है। इसके तुरंत बाद भूमि पर मूसलाधार बारिश हुआ और इसराइल के लोग बच गए। एलिया ने बादल को
नबी इसयास की भविष्यवाणी में वर्णित कुमारी के प्रतीक के रूप में देखा। बाद में हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता एलीशा कार्मल पर्वत को अपने घरेलू आधार के रूप में इस्तेमाल किया। यह हम राजाओं के दूसरा ग्रंथ में पढ़ते हैं। कार्मल पर्वत पर खुद को स्थापित किए वाले प्राचीन धर्म भिक्षुओं के बाद से कार्मलाइट की धन्य कुमारी मरियम के प्रति उनकी गहरी भक्ति के लिए माना जाता है। उन्होंने एलिया के दर्शन के बाद वेदा कुमारी दर्शन को बादल को वेदा कुमारी मरियम के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया। 12वीं शताब्दी में उत्तरी इसराइल में एलिया के फवारे के पास कार्मल पर्वत पर रहते थे। उन्होंने एलिया के उदाहरण का अनुसरण किया और बहुप्रतीक्षित कुमारी के आगमन के लिए प्रार्थना की, जो मसीह की मां बनेगी। कार्मलाइट ऑर्डर की उत्पत्ति का पता एलिया और उनके उपदेशक शिष्यों से लगाया जाता है। उनके पास माता मरियम को समर्पित एक चर्च भी थी। ये धर्म भिक्षुओं कार्मल पर्वत की माता के भाइयों के रूप में माने जाते थे। 1626 में माउंट कार्मल की माता मरियम की शिष्यति त्योहार सार्वभौमिक चर्च का उत्सव बन गया। 13वीं शताब्दी में धर्म युद्ध के दौरान सन साइमन स्टॉक पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा के दौरान कार्मल पर्वत पर साधुओं के एक समूह में शामिल हो गए। 1247 में उन्हें कार्मलाइट्स का छठवां जनरल चुना गया। हालांकि आदेश को सामान्य स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई हुई और बहुत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें भिक्षुओं को 1251 में धन्य कुंवारी मरियम का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया। रविवार 16 जुलाई 1251 को जब साइमन स्टॉक ने प्रार्थना से घुटने टेके तो माता मरियम ने उन्हें दिखाई दी। एक हाथ में बालक येसु और दूसरे हाथ में माउंट कार्मल का ब्राउन स्कैपुलर पकड़े हुए। माता मरियम ने निम्नलिखित वादे के साथ संत साइमन स्टॉक को कार्मलियों के लिए एक स्कैपुलर देते हुए कहे, मेरे प्यारे बेटे, अपने आदेश की एक आदत प्राप्त करे, वो तुम्हारे लिए और सभी कार्मलाइट्स के लिए एक पवित्र विशेष अधिकार होगा। जो कोई भी इसे पहने हुए मर जाएगा, आनंद अपने की कभी न भुगतना। यह मुक्ति का प्रतीक होगा, खतरे में सुरक्षा और शांति की प्रतिज्ञा। 13 जनवरी 1252 को धर्म समूह को पापा इनोसेंट फोर्स से सुरक्षा का एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें उत्पीड़न से बचाव किया गया था। माउंट कार्मल की माता मरियम की स्कैपुलर, जिसे ब्राउन स्कैपुलर के रूप में भी जाना जाता है, रोमन कैथोलिक भक्ति के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध में से एक है। संस्कार जैसा कि आम तौर पर वफादार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कार्मलाइट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक भूरे रंग का स्कैपुलर का एक लघु व्युत्पन्न है। संत पापा जॉन 22 के अनुसार धन्य कुमारी ने ब्राउन स्कैपुलर पहनने वाले से संबंधित निम्नलिखित संदेश दिया, मैं अनुग्रह की माता उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पागंडी से मुक्त करूंगा कि मैं उन्हें अनंत जीवन के पवित्र पर्वत पर ले जाऊंगा। 15 जुलाई 2006 को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के शब्दों में कार्मलाइट ईसाई लोगों के बीच माउंट कार्मल की माता मरियम की भक्ति में फैल गए हैं। उन्हें प्रार्थना
मनन चिंतन और भगवान के प्रति समर्पण में एक मॉडल के रूप में धारण किया गया है। वास्तव में माता मरियम सबसे पगली थी तब तक सब तरफ से, जिसकी कभी बराबरी नहीं की जा सकती है। विश्वास और अनुभव करने के लिए यीशु देहधारी शब्द शिखर है, भगवान के साथ मनुष्य की मुलाकात की शिखर है। दिव्य वचन को पूरी तरह स्वीकार करके वही धन्य रूप से पवित्र पर्वत पर लाई गई और हमेशा के लिए शरीर और आत्मा में प्रभु के साथ रहती है माता मरियम। स्कैपुलर एक संस्कारी होने के कारण हमें संस्कारों की तरह अनुग्रह का संचार नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे भक्ति के साथ प्राप्त करें तो यह हमें ईश्वर के प्रेम और हमारे पापों के ईमानदार पश्चाताप के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाने में सहायता करता है। कुमारी मरियम ने कार्मलाइट्स को एक छोटी आदत के रूप में स्कैपुलर दिया, जिसे सभी वफादार उसके अभिषेक के प्रतीक के रूप में पहन सकते हैं। संत अल्फोंस लिगोरी कहते हैं, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे की अपनी पोशाक पहनने में गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह सबसे पवित्र मरियम प्रसन्न होती है जब उसके सेवक उसके स्कैपुलर पहनते हैं। एक निशान के रूप में कि उन्होंने खुद को उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। स्कैपुलर का तीन अर्थ है। पहला, माता मरियम का प्रेम और मातृ संरक्षण। हम देखते हैं कि कैसे मरियम जब यीशु का जन्म होता है तो उसे लबादे में लपेट लेता है। एक माँ हमेशा अपने बच्चों की आश्रय देने की कोशिश करती है। हमें अपने आवरण में लपेटना सुरक्षा और देखभाल का एक बहुत सी मात्र संकेत है। दूसरे, माता मरियम से संबंधित स्कैपुलर माता मरियम के लिए हमारे अभिषेक का प्रतीक बन जाता है। माता मरियम से संबंधित है हमारे ऊपर अपने मात्र मिशन को पहचानना है और खुद को उसके द्वारा और उसके दिल में निर्देशित सिखाया और डाला जाने की अनुमति देता है। तीसरा, मसीह का कोमल जुआ। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और हृदय का दीन हूँ और तुम अपने लिए विश्राम पाओगे, यह प्रभु की वाणी है। स्कैपुलर उस जुए का प्रतीक है जिसे यीशु हमें ले जाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन मरियम हमें अपना जुआ उठाने में मदद करती है। कुंवारी मरियम हमें सिखाती है और मध्यस्थता करता है ताकि हम अपने प्रभु के लिए खुले हृदय से उनके वचन को सुनकर प्रार्थना करते हुए अपने दैनिक जीवन में और अपने भाइयों की आवश्यकताओं में ईश्वर की खोज करने के लिए उसके रूप में जीने की कृपा प्राप्त कर सके। स्कैपुलर यह भी याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य स्वर्ग है और इस दुनिया में सब कुछ बीत रहा है। प्रलोभनम के क्षणों में हम स्कैपुलर को अपने हाथों में लेते हैं और अपनी माता की सहायता का आह्वान एहसास करते हैं, जो प्रभु के प्रति वफादार रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह हमें अपने दिव्य पुत्र के पवित्र हृदय की ओर ले जाती है और शैतान को पीछे हटने पराजित होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो क्रिस्त में प्यारे दोस्तों, माउंट कार्मल की माता मरियम की यह त्योहार हमें अपनी प्यारी मां की ओर ले जाती है। वह हमें एक नए आश्वास की ओर ले जाती है।
कि सभी इंसान भगवान के परिवार के संबंधित है। जब इस तरह का दृढ़ विश्वास बढ़ता है तो आशा है कि मानव जाति शांति के लिए अपना रास्ता खोज सकती है। ये महामारी युग में हमारी मां के प्रति हमारे प्रेम को गहरा कर सकता है। और आइए हम अपनी मां से ये दुआ मांगे कि वे अपने प्यारे पुत्र यीशु से पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें और उनके स्वर्गीय आवरण की छाया में हमें शरण पा सके और अनंत जीवन के उनके वादाओं को हम योग्य बन सके। जय यीशु।